मैंने कहा भी मैं नहीं हूँ, मैंने कहा पता आपको कि मुझे, मैंने कहा आपने मशीन ठीक लगानी कि मैंने लगानी। फिर उसका जो था बॉस कहते नहीं 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 माजरत माजरत माजरत। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है ना मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरी सारी लुक जो है ना वो चेंज हो गई है। मैं पहले बेल्ट रखता था छोटी छोटी, लेकिन आज ना मैंने कहीं पे जाना था, आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मैंने अपने बार्बर को फोन किया क्योंकि आज था संडे। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हैं, उनका जी मैं दुकान पे। मैंने कहा टाइम है मुझे ना खत करवानी है, तो कहता कि नहीं अभी जो है ना घंटा लग जाएगा, आज मेरे पास संडे है तो रश काफ़ी है, आप ना 1 घंटे बाद आ जाएं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने निकलना था, जल्दी निकलना था, तो मैंने जो है ना मैं जब रोड से बाहर आया उसकी गली से, तो मैंने ना एक शॉप देखी सामने, मैंने कहा ये अच्छी लग रही है चले ना इससे करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है ना वो खाते करवानी है, मैंने कौन सा बाल वगैरह कटवाने हैं जो मैंने अपने ही बार्बर के पास जाना है या मुझे वही ज़रूरी है। तो मैंने ना मैंने अपनी जो है बाइक लगाई पार्किंग पे, तो मैं चले गया। मैंने कहा यार ये ना मैंने ना अपनी खाते करनी है, तो वहाँ पे ना बच्चा था तकरीबन लगा लें भी 17-18 साल का था, ठीक है लड़का था, बच्चा तो नहीं था, लेकिन उसका जो था ना बॉस वो नहीं था। तो वो जो है ना मुझे कहता है कि मैं कर देता हूँ खतना, वो जाती है। मैं कहा आप कर दो, इसमें कौन सी बात है। तो ना मैंने कहा कर दो, उसने ना खत वगैरह की, उसने कहा नीचे से क्या करना है। मैंने कहा अपना गोल शेप कर दो और इधर से जो है ना इधर से आप जो है ना गोल कर दो। उसने कहा ठीक हो गया। अच्छा अब वो ना उसने कहा जी मैंने आपकी मशीन लगा दूँ। मैंने कहा मशीन आप रहने दो क्योंकि बाल छोटे हो जाएंगे, बेट जो है ना वो साफ लगेगी नहीं, आपने खत करवाई है। उसने कहा नहीं जी मैं जो है ना वो ज़्यादा नंबर वाली लगाऊंगा, यानी कि मोटा लगाऊंगा जो है ना ब्लेड, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपने जो है सिर्फ ये होगा कि बाल जो है ना बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा कर दो। अच्छा अब वो पहले जो थे ना जो मशीन वो इस्तेमाल कर रहा वो था इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट, अचानक लाइट चली गई, तो उसने फिर ना जो है ना चार्जिंग वाली वो उसने मंगवाई, तो वो लगाई जब उसने ना जब उसने उसका ब्लेड के ऊपर जो कंघी होती है ना उसको कंघी कहते हैं जो बार्बर वाले अपनी जो उनकी जुबान है लैंग्वेज, उसमें उसने वो लगाई कंघी, लेकिन वो कंघी ना फिट नहीं बैठी। उसने मेरे यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे लग गया कट। अब जो है ना वो मैंने देखा कि कट लग गया है, तो मैंने उसको कहा कि ये क्या किया तुमने मेरी, तो वो कहता जी मैं ना इसको ठीक कर देता हूँ। मैंने पहले तो अपना रिएक्शन बड़ा ही सादा रखा, बड़ा ही सिंपल रखा, जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। तो वो ना पहले इसको करता रहा करता रहा करता रहा, कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे, उसने मैंने आधा घंटा लगा दिया। उसको यही था कि मैं इसको ना मुतमिन करके भेज दूंगा। तो जब मैं थोड़ा सा ज़रा रूड हुआ, मैंने थोड़ा सा ज़रा उसको खींचा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया है। मैंने कहा इसको, मैंने कहा यहाँ पे ना करो, मैंने कहा इसको पहले ठीक करो जो तुमने किया है। फिर उसके बॉस भी आ गए। तो अब ये था कि वो ना मैंने कहा भाई यार पहले इसको ठीक करो। बॉस कहते हैं क्या हुआ है। उसने कहा बॉस आप आइए, कहिए ना टक लग गया है। अब ये क्या था कि यहाँ आपसे बाल जो है ना वो अब जिस तरह ना उस तरह हो गए बारीक बारीक, अब यहाँ बाल ज्यादा थे, बाल बराबर हो ही नहीं सकते थे, किस तरह बराबर होते। तो बॉस है, बॉस कहते यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। तो इतने देर में जो लड़का जिसने मेरी बेट की ना जिसने मेरी खत की, तो वो कहता है कि मेरा कसूर मशीन होगी। मैं उसको बाबा जी जो है ना वो फिर मैंने कहा भी मैं नहीं हूँ, मैंने कहा पता आपको कि मुझे, मैंने कहा आपने मशीन ठीक लगानी कि मैंने लगानी। फिर उसका जो था बॉस कहते नहीं 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 माजरत माजरत माजरत। तो अब इस तरह कर अब मैं क्या करूँ जी, उसका बॉस कहता। मैंने कहा यार अब क्या करोगे, अगर आप कहते हो भी यहाँ से और यहाँ से मैं इसको बराबर करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लाइक जिसका फ्रंट टाइप कहते हैं, मैंने कहा वो अच्छी नहीं लगती मुझे, वो आप रहने दो वैसे ही ऑकवर्ड ऑकवर्ड लगती है। तो उसने कहा फिर, मैंने कहा आप इसको ना सारी क्यों कर दो, ठीक हो गया वो हो गया। इतनी देर में उसने अपने जो था ना जो लड़का था उसको उसने काफ़ी समझाया कि ऐसे नहीं करते, गाहक गाहक होता है और आपकी गलती है, आपको चाहिए था कि आप चेक करते। फिर मैंने कहा भाई जान पैसे कितने हो गए। उसने कहा जी पैसे रहने दो, मैं आपके बाल आ जाएंगे पैसे रहने दो। मैंने कहा यार बात ये नहीं पैसे की, मैंने कहा बात ये है कि आपको पता है कि ये बाल ऐसी चीज़ है, मैंने कहा मैंने अब कहीं पे जाना है, ठीक है मैंने अपने जहन में प्लान किया हुआ था कि मैंने ये ड्रेसिंग करनी, ये मेरी लुक होगी। मैंने कहा आप आपने सारी चेंज कर दी, मैंने कहा आपको भी पता है कि ये जो बाल है ये ऐसी चीज़ है यहाँ कि इस बात पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती होती है कि आपने बाल छोटे कर दिए बड़े कर दिए। मैंने कहा इसमें तो बेरा गर्क कर दिया। उसने कहा नहीं मुझे, मैं माजरत करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आपको पता है मैं सीनियर हूँ। तो मैंने दिल में सोचा मैंने भी पता कि तू कितना कुछ सीनियर है, तेरे हरकतों में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भाई आप पैसे बताएं कितने, लगा या 200 दे दें। मैंने 200 उसको दिया, तो मैं अब घर आ गया हूँ। और कोई लोग कह रहे हैं अच्छी लगी है, कोई कह रहे हैं बुरी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये लुक कैसी लगी है, नेक्स्ट टाइम ये लुक ठीक है या दूसरी लुक ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद यो कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, अल्लाह का वास्ता तो।